गुड आफ्टरनून क्लास। हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मैट्रिक्स को वहीं पे भी स्टॉप रखेंगे, उसको हम बाद में ज्वाइन करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? जैसे साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टैन फंक्शन, कॉट फंक्शन, ये सारे फंक्शंस क्या होते हैं जो आपकी स्क्रीन के सामने हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं। इन फंक्शन का हमने रेंज और डोमेन लिखा है। जैसे साइन फंक्शन क्या क्या है? साइन फंक्शन का डोमेन आर है, रेंज -1 to 1, ऑल द पॉइंट्स लाइंग बिटवीन -1 से 1। कॉस फंक्शन का डोमेन क्या है? आर, रेंज -1 से 1। ठीक है, इनका अगर जो हम ग्राफ देखें साइन और कॉस फंक्शन का, तो ये आपकी स्क्रीन के सामने है। ये देखिए, ये वाई बराबर साइन एक्स का ग्राफ है एंड सेकेंड वाला वाई बराबर कॉस एक्स का ग्राफ है। तो यहाँ पे देखिए, इसकी अपर मैक्सिमम वैल्यू, ये वाली वैल्यू, तो साइन की जो अपर मैक्सिमम वैल्यू होगी वो +1 होगी, और लोअर मैक्सिमम वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है साइन एक्स की, ये -1 होगी। मतलब साइन की अपर मैक्सिमम वैल्यू +1 और लोअर मैक्सिमम वैल्यू -1। यही हम कॉस में करेंगे। कॉस की ये अपर जो मैक्सिमम वैल्यू है ये +1 और लोअर मैक्सिमम वैल्यू क्या है? -1, ये वाली, यानी इसको हम इससे मिला दें तो ये -1 हो जाएगी। यानी साइन और कॉस, ये दोनों फंक्शन की जो रेंज है वो -1 से +1 के बीच में रही करता है। ये ग्राफ देख लीजिएगा, ठीक है, इस ग्राफ को बनाना भी सीख लीजिए। तो ये हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं। सेक और कोसेक, वो मैंने नहीं लिखा है, वो भी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे। ठीक है, साइन फंक्शन का यहाँ पे आप देखिए रेंज क्या है, आर, और डोमेन क्या है, -1 से 1। लेकिन जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे तो ये देखिए, इसका जो रेंज, जो साइन का रेंज था वो डोमेन में आ गया, और जो उसका डोमेन था वो क्या हो जाएगा, वो इसका रेंज हो जाएगा। कॉस इनवर्स -1 से 0 से पाई के बीच में, ये सारे इसके क्या हैं? अब देखिए, ये ये -π/2 से +π/2, और कॉस में 0 से पाई, इस तरीके से टैन का देखिए, टैन वाला ये वाला है, ठीक है, टैन में -π/2 से +π/2, तो कॉट में 0 से पाई, सेकिनवर्स का ये डोमेन है, सॉरी रेंज है, और कोसेकिनवर्स की रेंज है। तो ये सारे आपको यहाँ से, ये आपको खास करके इन तीन डोमेन्स, ये प्रिंसिपल डोमेन्स हैं, इनको आपको याद करना होगा। क्योंकि जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सॉल्व करेंगे तो जो हम थीटा की वैल्यू रखेंगे तो इन्हीं, वही थीटा रखेंगे जो इनके इनके बीच लाई करते हैं। यानी ये क्या है, ये बाउंड्री पॉइंट्स हैं, ये बाउंड्री पॉइंट्स हैं। जो भी थीटा रखेंगे, वो साइन में अगर थीटा रखेंगे कोई, तो -π/2 से π/2 के बीच लाई करना चाहिए। कॉस इनवर्स में रखेंगे तो 0 से पाई के बीच लाई करना चाहिए, क्योंकि ये प्रिंसिपल डोमेन, सॉरी प्रिंसिपल रेंज हैं। ठीक है, आपको हर जगह मुख्य मान निकालना होगा। तो इसी तरीके से, जैसे हम मुख्य मान का मान कुछ इस तरीके से समझिए, जैसे 1 है, 1 साइन में किसकी वैल्यू होती है? साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, लेकिन 90 में हम 2π और ऐड कर दें, यानी 360 प्लस 90 यानी 450 की वैल्यू भी क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, क्योंकि ये सब पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, साइन और कॉस, ये अपने आप को रिपीट करते हैं। जैसे -π/2 की वैल्यू -1, -1 होती है -π/2 की वैल्यू, लेकिन 3π/2 की वैल्यू क्या होती है? -1। लेकिन अब हम बात करें इसमें प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, तो प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 होगी, 3π/2 नहीं होगी। यानी अगर साइन के केस में कहीं पर -1 की वैल्यू रखनी है तो ऑलवेज हम -π/2 पुट करेंगे। ठीक है, यही सारी चीज़ें हैं। अब इसमें हम आते हैं, एक्सरसाइज में आते हैं, हमको एक्सरसाइज 2.1, ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 कह रहे हैं फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज। प्रिंसिपल वैल्यूज आप अपनी बुक में देखिएगा, हमको मुख्य मान निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2 का मान निकालना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट मान लेंगे साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अब इस साइन को हम वाई के साथ ले आएंगे, यानी -1/2 किसके इक्वल हो जाएगा,
साइन वाई के इक्वल हो जाएगा। और क्या लिख सकते हैं, साइन वाई इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू। तो साइन वाई, अब माइनस को पहले रोक लिया, वन बाई टू साइन में किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई सिक्स, और पाई बाई सिक्स जो है वो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में लाइक आता है। तो ये हमने वही, यानी इसीलिए हमने वन बाई टू की वैल्यू पाई बाई सिक्स रख दिया। अब देखिए, एक आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या, साइन माइनस एक्स, साइन माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, माइनस साइन एक्स। ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो वहीं हमने ये फार्मूला लगा दिया है। यहाँ पे देखिए, माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, साइन माइनस एक्स की वैल्यू हो जाएगी। ये हमने लिखा है पाई बाई सिक्स माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में लैम करता है। साइन साइन एक तरीके से एलिमिनेट हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू माइनस पाई बाई सिक्स, ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा देखिए, कॉस इनवर्स रूट थ्री बाई टू, तो हम इसमें भी कर लेंगे वही चीज़ जो हमने प्रीवियस इसमें किए थे, कि हम वाई के बराबर मान लेंगे। ठीक है, वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट थ्री बाई टू। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पे ये चीज़ को बेटा आप लोग देखिएगा, जब कॉस इनवर्स को उधर लाएंगे तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, कॉस इनवर्स जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस वाई इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू। ठीक है, फिर ये कॉस वाई इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू, कॉस में किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई कॉस पाई बाई सिक्स की वैल्यू होती है। यहाँ पे ये देखिए, तो हमने कॉस पाई बाई सिक्स, और पाई बाई सिक्स कहाँ के बीच में बिलोंग करता है, जीरो से पाई के बीच में। तो यहाँ पे आपकी आ गई वाई इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स, कॉस कॉस एलिमिनेट हो गया, हट गया, तो हमको प्रिंसिपल वैल्यू मिल गई पाई बाई सिक्स। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, कोसेक इनवर्स टू, तो हमने वाई के इक्वल मान लिया, लेट वाई इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स टू, देन कोसेक वाई इज इक्वल टू टू। ठीक है, अब हम टू चेक करेंगे कोसेक में किसकी वैल्यू होती है, तो कोसेक पाई बाई सिक्स की जो वैल्यू होती है वो टू होती है, तो कोसेक वाई इज इक्वल टू कोसेक पाई बाई सिक्स, एंड पाई बाई सिक्स कहाँ, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में बिलोंग करता है। देखिए, कोसेक इनवर्स का हम रेंज चेक करेंगे, तो कहाँ गया आपका, ये देखिए कोसेक इनवर्स का रेंज क्या है, ये यहाँ पे माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, तो यानी जो पाई बाई सिक्स है वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच बिलोंग करता है, तो इसीलिए ये इसकी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। अब टैन इनवर्स का देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर, टैन इनवर्स माइनस रूट थ्री, तो सबसे पहले वाई के इक्वल मान लेंगे, वाई इक्वल टू टैन इनवर्स माइनस रूट थ्री, टैन को उधर लेंगे, टैन इनवर्स वाई इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री। अब हम क्या रखेंगे, टैन की प्रिंसिपल वैल्यू, तो सबसे पहले देखेंगे टैन की प्रिंसिपल वैल्यू है क्या, इधर देखिए टैन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, ये प्रिंसिपल वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में, तो हमको कुछ ऐसा मान रखना है जो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में लाइक करता हो। तो ये माइनस वाई हम बाहर कर लेंगे, रूट थ्री, रूट थ्री किसकी वैल्यू है, पाई बाई टेन पाई बाई थ्री की, और यहाँ पे लिखा हुआ है पाई बाई थ्री कहाँ के बीच में, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में बिलोंग करता है, यानी टेन वाई इज इक्वल टू टेन, और माइनस अंदर ले आए पाई बाई थ्री की किस फार्मूले से, टेन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन एक्स, तो वाई इज इक्वल टू माइनस पाई बाई थ्री, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है क्लास, तो इसके दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको आप लोग अप्रोच करिएगा अच्छे से। ओके, थैंक यू।